तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज आप लोग को मैं एक ऐसा वायरस बनाना सिखाऊंगा जो आप लोग किसी भी इमेज के अंदर इम्बेड कर सकते हो। इम्बेड का मतलब क्या होता है, वायरस की जो भी कोड होंगे वो किसी फोटो के अंदर होंगे, और जब भी आप किसी को ये फोटो भेजते हो ना, तो वो क्या लगेगा उसको कि यार ये तो एक नॉर्मल सी फोटो है। वो सोचेगा लो इसको खोल के देखते हैं कि कैसी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेरे पास फ्री फायर की फोटो है, इसको मैं खोल के देखूंगा कैसी दिखती है। अगर उसने ये फोटो खोली तो बैकग्राउंड में आपका वायरस रन हो जाएगा। बट सुन लो, ये वायरस मैं बहुत ही छोटा सा सिंपल बनाने वाला हूँ। इसमें कोई भी हार्डकोर कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, और कोई भी ऐसी चीज नहीं हम लोग करेंगे कि जिससे किसी और के कंप्यूटर को हार्म हो। ये सिर्फ ऐसे मतलब सिखाने के लिए तुमको मैं कर रहा हूँ। और ये वायरस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया भी था, अगर नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर है। बट मैं तुमको वो वीडियो देखने की वैसे जरूरत नहीं, मैं इसमें बता ही दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है गोल, सबसे पहले हमको वायरस को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी एक इमेज होनी चाहिए जिसको आप लोग देना चाहते हो किसी को, ठीक। इसको प्रैंक के पर्पज से लेना, कोई खास सीरियस चीज नहीं है, ठीक है। अब वायरस बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करिए न्यू, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई भी बना लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। अब मैं देखिए कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाते जाऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लिया, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, START स्टार्ट आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करेगा क्या, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। आप इसको फाइल पे जाइए और सेव एज करेंगे। देखिए नॉर्मल जब फाइल सेव होती है तो वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, .txt, और .txt फाइल होती है टेक्स्ट फाइल। बट हम लोगों को एक ऐसी फाइल बनानी है जो कि एक्सक्यूट हो, तो हम लोग एक एक्सक्यूटेबल फाइल बनाएंगे। अब वो फाइल कौन सी हमारी होगी, ये जो लास्ट में .txt लिखा होता है ना, इसको हम लोग कट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे .bat, ठीक है, .bat फाइल। अब ये बैट फाइल कैसी होती है, हम लोग जैसे इसको सेव करते हैं ना, यहाँ डेस्कटॉप पे ही आ जाएगी। देखिए अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल सेव करता तो वो कुछ इस टाइप से आती, बट मैंने जब बैट फाइल बनाई तो वो कुछ इस टाइप से दिख रही है, ठीक है। अब ये बैट फाइल कमाल की है। अब आप लोग सोचोगे क्या कमाल है भाई इसके अंदर, तो अब देखिए जैसे हम लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया और ये हमारा बन गया एक छोटा सा वायरस। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये वायरस कैसे हुआ, ये तो सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट खुला है और इससे किसी को क्या ही परेशानी होगी, ये वायरस तो हो ही नहीं सकता। पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा और एक कमांड प्रॉम्प्ट खुला, ठीक है। तो ये कुछ खास डरावना वायरस नहीं लग रहा है आपको, बट अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अब थोड़ा सा बोरिंग काम करने जा रहा हूँ, राइट क्लिक करके एडिट पे दबाता हूँ। देखो राइट क्लिक जब बैट फाइल को करते हो तो एक एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एडिट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टार्ट लिखा है। अगर मैं इसी स्टार्ट को कॉपी पेस्ट करता जाऊं, जितनी बार मैं कॉपी पेस्ट करूंगा उतने सारे कमांड प्रॉम्प्ट खुलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। अब आप लोग को लगेगा ये तो बहुत बोरिंग काम है, आप लोग कुछ नहीं एक लाइन पूरी कर लो, फिर इसको पूरी लाइन को कॉपी कर लो और पूरी लाइन को पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ और तुम लोगों को एक खास चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखते जाओ कि यहाँ पे मैंने कितनी लाइन्स और कितने कॉलम्स को इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो इस चीज से तुम लोग भी कर सकते हो, जितना ज्यादा लिखोगे ये उतनी बार खुलेगा, ठीक है। मैं जितनी ज्यादा बार करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिखा सकूं अच्छे से। अब बहुत इनफ हो गया, वरना मेरा पूरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, और ये लिटरली है। अगर तुम लोगों ने कम से कम मतलब 15 मिनट लगा के अगर इसको बनाने की कोशिश की, तो इतना भयानक ये होता है कि किसी का भी कंप्यूटर रोक सकता है, तो तुम ध्यान से रखना, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है, सेव हो गया, बढ़िया, गुड। अब देखो, अब तुम देखना खेल। अब बस मैं इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करता हूँ, बस मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये देखो मेरी परेशानी शुरू। अब मैं मतलब वीडियो को मुझे पॉज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वेट करूंगा कि ये बंद कब होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही, मैंने कुछ सेकंड के अंदर वो सब कॉपी पेस्ट किया, बट अगर तुम सोचो सिर्फ 15 मिनट अगर तुमने लगा के इसको ऐसा कर दिया ना, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम दे सकता है किसी को। ओके सॉरी, ये जल्दी हो गया, शायद बहुत ज्यादा लाइंस नहीं हुई थी, बट कोई बात नहीं, इतनी भी काफी नहीं है यार, मतलब काफी हो गया है। अगर इतना ही अगर तुम्हारा बार बार चलता रहा ना, तो पूरी रैम कंज्यूम कर ले जाएगा ये, और उसके बाद किसी के भी कंप्यूटर को उड़ा सकता है, ठीक है। मतलब पूरा नहीं उड़ाएगा बट हो सकता है। तो इसको मैं पूरी तरीके से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज होने में भी इसको टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा खुल गए। तो चलो, बहुत मेहनत से मैंने सबको बंद कर दिया, ठीक है। अब हमारा वायरस तो तैयार हो गया, यहाँ पे देख सकते हो हमारा वायरस तैयार हो गया। इसको मैं रीनेम करके H वायरस बना देता हूँ, ठीक है, बढ़िया, हमारा गुड। अब एक खास चीज तुमको मैं दिखाना चाह रहा हूँ,
मेरे कंप्यूटर में खास टाइप की सेटिंग इनेबल है जिसकी वजह से एच के आगे तुम्हें डॉट बी ए टी भी दिख रहा है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये हर किसी के कंप्यूटर में इनेबल नहीं होता है, इसको इनेबल करना होता है। कैसे इनेबल करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप लोग अपने माय कंप्यूटर को खोल लेते हो और इस टाइप का सेक्शन आ जाता है, ठीक है, ये विंडो 8 और विंडो 10 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, विंडो 7 वालों के लिए थोड़ा सा ऑप्शन अलग होता है, आप लोग जाके चेक करना। जो ऑप्शन मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको नेट पे सर्च करो कि कैसे इनेबल किया जाएगा, ठीक है। मैं विंडो 8 और विंडो 10 में आपको व्यू पे जाना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ना फाइल नेम एक्सटेंशन, ये ऑप्शन अगर तुमने ऑन कर दिया तो तुम्हारी जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है वो तुम्हें दिखने लगेगी। जैसे एच के आगे डॉट बी ए टी है, अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो सिर्फ एच हो गई, ठीक है। ये चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी मैं बताता हूं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज से इम्पोर्टेंट है कि मतलब जब भी आप इसे किसी को भेजोगे तो कैसे वो पहचान कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको भी इनेबल कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब देखो फाइल को, अब हमारा वायरस तो बन गया, ये तो कंफर्म वायरस बन गया, और ये रही माई फोटो। अब वायरस को हमें फोटो के अंदर ऐसे मर्ज करना है कि फोटो के ओपन होते ही वायरस भी हमारा ओपन हो जाए। ये एक बहुत ही गजब की चीज होती है। देखो इस चीज को करने के लिए कई सारे मेथड हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ कई सारे मेथड हैं। विनरार की मदद से भी कर सकते हो, विनरार वाला मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो मैं तुम लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिसका नाम है हेलगेट। अब देखो इसको नेट पर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये टूल के लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी वजह से डिस्क्रिप्शन से लिंक गायब हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जिनको मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिला तो वो मैन्युअली टाइप कर सकते हो द जीएसएम वर्क, और Q&A ग्रुप वाला भी एक चैनल है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डबल क्लिक करके खोल देते हैं। अब ये टूल क्या करता है, ये टूल किसी भी चीज को एम्बेड करता है किसी और के अंदर। तुम लोग सोच रहे होगे कि एम्बेड का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो ये टूल का जो पहला ही सेक्शन खुला है इसे क्या लिखा हुआ है, बाइंडर, मतलब किसी भी चीज को किसी के अंदर बाइंड करना, मतलब पकड़ के मर्ज कर देना, ठीक है। तो बहुत होगी थ्योरी, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और कैसे भी नहीं डाल पाओगे। राइट क्लिक करोगे एड का ऑप्शन आया, एड कर देंगे हम लोग, और ऐड पे हम लोग ब्राउज पे चले जाएंगे। और ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे h.bat है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने और बस ये सेट हो गई। और इसको मैं जैसे ही यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे h.bat आ जाती है, ओके, इतना बढ़िया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस पे आपको जाना है, कंप्रेस बाइंडेड फाइल और इनक्रिप्ट बाइंडेड फाइल लगा देनी है, ठीक, बढ़िया। अब आपको इस फाइल को किसकी तरह दिखाना है, किस फोटो की तरह दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोटो भी डालनी पड़ेगी। बट आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि ये जो है फॉर्मेट सिर्फ लेता है आइकन फॉर्मेट .ico। अब आइकन का फॉर्मेट है, अब आप लोग सोचोगे कि यार मैं आइकन कहाँ से अब लाऊं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जल्दी से अपने गूगल क्रोम को खोल लीजिए और मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि कैसे करना है ये काम। तो आई होप सो कि आप लोगों ने अपने गूगल को खोला, गूगल क्रोम खोला। अब उसके ऊपर आपको सर्च करना है JPG टू आइकन, JPG टू ICO खाली आप लिख सकते हो, ठीक है, ICO फॉर्मेट है। जो भी वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट है आपको कन्वर्ट करके दे देंगी, मैं पहली वेबसाइट को प्रेफर कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलेक्ट फाइल, और सेलेक्ट फाइल में हम लोगों को वो फोटो डालनी है जिसको हमें आइकन में कन्वर्ट करना है, .jpg है, डबल क्लिक किया, आगे यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर हम लोग दबा दे रहे हैं। आप लोग इस वेबसाइट से जरूरी नहीं करो, कोई भी वेबसाइट कर लो, और मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहोगे कि हमारी आइकन वाली फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, और इसको मैं उठा के वापस से डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब तुम लोग को एक खास चीज बताता हूँ, JPG फाइल और आइकन फाइल में अंतर क्या है। यहाँ पे देखो आइकन को जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कि फोटो बहुत छोटी सी एक आइकन में आ रही है, बट अगर तुम यहीं पे JPG को देखते हो डबल क्लिक करके तो पूरी फोटो दिखती है, ठीक है, तो ये तो अंतर है। अब आपको क्या करना है, अपनी आइकन फाइल को सेलेक्ट करना है ब्राउज के जरिए। यहाँ पे मैं ब्राउज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ब्राउज है, ब्राउज के ऊपर दबाया और डेस्कटॉप पे हमारी आइकन फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये है आइकन वाली फाइल मिल गई, डबल क्लिक कर दिया और बस इतना काम हो गया। अब यहाँ पे बिल्ड के ऊपर जाना है, बिल्ड कर देंगे हम लोग इसको, और ये पूछेगा सेव कहाँ करना है, तो मुझे डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देखो सेव टाइप .exe आएगा, तो exe में लोगों को भाई शक हो जाता है, ठीक है, यही एक खेल है इसके साथ।
अब छोटा मोटा मैं बता रहा हूँ तो अभी तुम लोगों को पूरा प्रोफेशनल तरीका नहीं बता रहा, बट जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो। तो इसको जो भी नाम है मैं यहाँ पे e.exe डाल के सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग लोडर हो रहा है, सब हो गया, कट करिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये फोटो बन के आ गई है। अब आप लोग सोचोगे कि यार फोटो बन के तो आ गई है, बट हम लोगों को तो पता है ये exe फाइल है, और कोई भी होगा बंदा उस फोटो देखेगा तो सोचेगा एक बार खोल ले, बट अगर उसने exe देख लिया तो उसको शक हो जाएगा कि फोटो तो जेपीजी होती है, exe में कैसे आ गई। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा था वो हाइड और अनहाइड वाला। अगर यहाँ से फाइल एक्सटेंशन तुम्हारा अनहाइड है, यहाँ पे अनहाइड मैंने किया, तो कुछ नहीं पता चलेगा लिटरली। ये देखो तुम्हें क्या लग रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है तुम्हें, ये लगेगा कोई एक फोटो है थोड़ी ब्लरी सी है, इसको खोल के देख सकते हैं हम लोग, बट इसमें देखो कोई तुमको चेंजेस नहीं लग रहे होंगे, बस ये एक थोड़ी लंबी फोटो है थोड़ी छोटी फोटो है। बट अगर किसी ने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देख ली तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे exe है। तो किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले फोटो वाली फाइल आप लोग जरूर चेक करो कि कौन सी फाइल है, exe है कि क्या है, ठीक है। इसके ऊपर करोगे राइट क्लिक प्रॉपर्टी पे तो ये जेपीजी है, तो इस टाइप से होता है। अब हम लोगों ने इसमें तो डाल दी, बहुत बढ़िया, अब तो सब काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप लोग को दिखाता हूँ। बस इसके ऊपर मैंने सिर्फ डबल क्लिक करूंगा फोटो खोलने के लिए, और देखिए क्या होता है। मैंने डबल क्लिक किया और ये देखिए बूम, सारा काम वही हो रहा है ना। कोड को मैंने बहुत कम लिखा था इसलिए सिर्फ इतना हो रहा है, वरना भाई ये एक बार मैंने कम से कम 15 मिनट मेहनत करके इसको लिखा था, मतलब कॉपी पेस्ट किया था, और पूरा कंप्यूटर मेरा रुक गया था। मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, ये तुम किसी के साथ प्रैंक कर सकते हो इस टाइप से, मजा आ जाएगा उसको, उसके कंप्यूटर की हालत खराब हो जाएगी, रिस्टार्ट 100% मांगेगा। और तुमको एक तरीका बताता हूँ, अगर तुम अपने में टेस्ट कर रहे हो इतने सारे खुल गए, इनको सबको कट कैसे करते हो। देखो थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सबसे कॉर्नर में, चाहे ये विंडो 7 में भी है, विंडो 11 में भी है, विंडो 10 में भी है, सबसे कॉर्नर में माउस लेके जाओगे, देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो ना, तो सारी चीजों को ये हाइड करके देखो नीचे कर लेगा सारी चीजों को हाइड। फिर तुम्हें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुला है, ये इतने सारे खुले हैं, इसके ऊपर बस मैं राइट क्लिक करना है और क्लोज ऑल विंडो कर देना है, ठीक है। क्लोज ऑल विंडो करोगे तो ये कट हो जाएगा, ये अभी मुझे तरीका याद आ गया तो मैंने सोचा बता दिया जाए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत छोटा सा सिंपल सा, मतलब किड वाला वायरस है, मैं एडवांस बनाने की कोशिश नहीं करने वाला वरना प्रॉब्लम होगी मुझी को, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और मेरी बाकी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।